अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रविका काशिफ खान एंड आफ्टर योर प्रैंक कॉल सेशन की प्रैंक करना है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। आप सबकी फेवरेट मिस्टर हुसैन तरीन। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ? ये ला रही आपको हम कॉल में। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा तो सीरियस समझ गई, मैं देखो कॉल मिलाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बड़ा मसला है, तुम्हें तो पता ही है। एक तो लेकिन नहीं डांट पड़ जाएगी। जनाब फातिमा को कॉल, जैबू को मेरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ये तो शायद तुम्हारी और लारेब की लड़ाई हुई है। Assalamualaikum, this is Rebecca Kashif Khan and welcome back to my YouTube channel. So finally I am back with one of the most requested video of all time. जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैं बात कर रही हूँ प्रैंक कॉल सेशन की। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि प्लीज कुछ आइडियाज दीजिए मुझे अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, तो तकरीबन लोगों ने ये लिखा हुआ था कि आप प्लीज प्रैंक कॉल सेशन कीजिए फला फला बंदे के साथ, और हर उसमें हुसैन का नाम मेंशन था कि हुसैन के साथ करें करें करें। तो आज मैंने फाइनली सोच लिया है कि सबके साथ प्रैंक करना है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं मुझे ही डांट फिट जाए। खैर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम किन लोगों के साथ प्रैंक करने वाली हूँ आज। सबसे पहले हुसैन के साथ, देन हम लारेब के साथ, सरनाव एंड डॉक्टर मदिया साथ में प्रैंक करने वाली हूँ इस यूट्यूब वीडियो में, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। करना आप लोगों ने सिर्फ इतना है कि लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद फुल वीडियो देखना स्टार्ट। तो गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और सबसे पहले मैं कॉल मिलाने वाली हूँ आप सबकी फेवरेट मिस्टर हुसैन तरीन को, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, उनको हकीकत लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत चालाक है। तो आइए उनको कॉल करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। कंट्रोल रूपिका। ओके, वालेकुम अस्सलाम। किधर हैं आप? किधर हैं आप? मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। आपको पता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ? हुसैन मैं सीरियस हूँ, आपको हर बार मजाक लगने लगती है। तो क्या हुआ? मैं बाहर हूँ। जी मैं बाहर आई हुई थी और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी खराब हो गई। मैं आपको बता रही हूँ मैं बाहर थी और गाड़ी खराब हो गई है और मैं अकेली बैठी हुई हूँ। अगर आप बाहर थी और गाड़ी खराब हो गई है तो फिर अभी तो घर आ गई होगी ना? अगर आप बाहर होती तो अब होती कि ना बाहर? मैं इस टाइम बाहर हूँ हुसैन। आप इस टाइम बाहर? जी। मम्मा सो रही थी, उनको बगैर बताए बाहर आ गई थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं सीरियस हूँ। यहाँ पता नहीं कौन लड़के मुझे घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। यहाँ कुछ लड़के हैं और मुझे घूरे जा रहे हैं। मेरा नेट भी नहीं चल रहा, मैंने आपको बहुत मुश्किल से कॉल की है और मुझे डर लग रहा था कि आप डांटे ना। नहीं मेरा नेट नहीं चल रहा और रैम भी नहीं है। वो मेरे साथ था बट वो मैकेनिक को ढूंढने गए। मैं तो हर बार दूंगी, क्या मैं इतने बिजी है? क्या वो लड़कों को बोल रही है? मुझे बोल रही है। मैं लड़के को बोल रही हूँ। अच्छा लड़के को बोल रही है? जी। ज्यादा मेरे सामने ओवर होने की जरूरत नहीं है।
ओवर नहीं हुआ करें आप, कहीं तो बन जाया करें, कहीं तो उल्लू उल्लू बन जाया करें हुसैन। आप कभी मुझे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। बने ना, मैं गाड़ी में थी और मैं गाड़ी में हूँ बोल। मैं गाड़ी में थी और अभी मैं तो मेरे पास ही नहीं था, पहली बात। और वेरी फनी, कोई पागल नहीं। हाँ ठीक है, किसी और को ही बनाऊंगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच। तो हर वक्त मेरी बात मजाक लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हकीकत में भी ऐसा हो रहा होगा ना, ये तब भी यही बोलेंगे कि हाँ अच्छा पहाड़ ओके, यूं करके बिहेव करेंगे। ओके थैंक यू सो मच मेरी वीडियो का हिस्सा बनने के लिए, और मैं आपसे नाराज हूँ। तो आइए किसी और को कॉल, लारेब को हम कॉल में लाते हैं। और लारेब के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है और बहुत मजा आने वाला है। तो आइए अल्लाह करे उठा ले कॉल हमारी। 1 2 3 को। वालेकुम अस्सलाम, किधर हो लाली? मैं बाहरू। बोलो यार, मुझे काम है, फ्री हो, बात कर सकती हूँ? मुझे एक बात बताओ, आपने क्या मम्मा को मेरी बर्थडे वाले दिन ये बोला था कि मेरे लिए लड़की ढूंढे? अबे वो तो मस्ती कर रहा था यार, वो सीरियस हुई हुई है, उन्होंने ढूंढ भी लिया। मुझसे बोले लारिफ का नंबर दो। अब मैंने मम्मा तो सीरियस समझ गए, वो बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियाँ ढूंढी और एक लड़की उनको पसंद आई और कह रही है कि लारिव का मुझे नंबर दो, मैं उससे बात करूंगी। तो अब मुझे तो डर लग रहा है, मतलब उस वक्त मैं इतना डाउन था ना, तो आंटी को डाउन लगा था, तो मैंने फिर मस्ती करना शुरू कर दी आंटी का थोड़ा सा ना, मतलब आंटी का योग नहीं है, सही हो गया ना, तो मैंने मस्ती और आंटी का बात ढूंढ लिया। पर वो तो कह रही है लारेब की उसी से करवाऊंगी, उनके घर में भी बात कर लिया, मुझे तो डर ही लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करूं। रवि का प्रैंक कॉल नहीं करना, मुक्का मार। अच्छा जी बिल्कुल, क्या बात है, अब क्या बात है, अब ज्यादा ओवर नहीं है ना, मुझे सरना आपको भी करने देना, मेरे पास बहुत जबरदस्त आइडिया है। चलो बाय। हाँ आवाज़ कर कर हो रही थी। अच्छा ओके 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 डन, ओके बाय। साली भी पहचान गया, हुसैन भी पहचान गए, अब लड़की। अब डॉक्टर मदिया को कॉल मिलाते। लड़कियां थोड़ी बेवकूफ होती हैं, बट मदिया बहुत होशियार है, देखते कि वो मेरा प्रैंक जो है वो पूरा होता है क्या नहीं होता। तो आइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, आप बताओ कैसी हो, तबीयत कैसी है? यार अब बेहतर है, तबीयत। अच्छा मुझे तुमसे बात करनी थी रवीका। पहले मेरी बात सुन लो यार। अच्छा हाँ तो बोलो यार। मदिया सीन ये है कि मेरे पास एक कॉल आई थी जियो की तरफ से, तो एक नया ड्रामा जियो की तरफ से। अच्छा तो वो ना मुझसे कह रहे थे कि मुझे और आपको हीरोइन लेना चाहते हैं ड्रामे में। क्या लेना है हम दोनों को? हीरोइन लेना चाहते हैं ड्रामे में। अच्छा हाँ, कोई नया जो है वो हीरो है। यार लाइक क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार देखो सीन मेरा ये है कि मुझे कॉल आती है, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मदिया और आप हमें चाहिए अपने ड्रामे के लिए, क्योंकि हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप मुझे बताएं कि आप डॉक्टर मदिया से बात कर सकती हैं या उनका नंबर हमें दे दें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे खुद ही बात कर लूं, क्योंकि यू नो तुम्हारी शादी भी होने वाली है एंड ऑल दैट सारे। हां यार लेकिन
सच बताऊं तो ड्रामों में काम करने का तो पहले भी शौक था, अभी भी, लेकिन पता है वो ना, मेरे तो बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बीएस कर लूं, बट मेरा ना बहुत बड़ा मसला है, तुम्हें तो पता ही है यार। खैर हो गई मतिया, चुपके कर लेंगे, बताना नहीं। ऐसा से इजाजत लूं, छुप के तो नहीं कर सकती। हाँ ये बात भी है, इजाजत लोगी वो मना ना कर देना। तो यार छुप के कैसे करूंगी, छुप के तो ये काम हो ही नहीं सकता उनके बगैर। उनसे ना एक दफा पूछ लेती हूँ, लेकिन नहीं डांट पड़ जाएगी, वो फिर बोलेंगे जब तुम्हें पता है एक चीज, मैं ये सब लाइक पसंद नहीं करता, हम दोनों की कोई ये सब नहीं करना, तो व्हाई आर यू आस्किंग। तो क्या करूँ, बहुत दिल चाह रहा है सुन के तो। यार मुझे हंसी आ रही कि इतना सीरियस भी कोई हो सकता है। अच्छा डॉक्टर मदिया, ये मैं सब मजाक कर रही थी, ये प्रैंक कर रही थी आपके साथ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। अब तुम पूछना है सन भाई से। आपको पता है मैंने लोगों को बताया कि मैं अभी मदिया को कॉल मिलाने वाली हूँ। लड़कियां वैसे होती बेवकूफ है, बट मदिया बहुत होशियार है, बट आप भी बेवकूफ बन गई। नहीं 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 नहीं, इसमें जो होगा वो मैं काट दूंगी। डांटते हैं हसन भाई तुमको। हसन भाई डांटे गए नहीं डॉक्टर मदिया को, मेरी दोस्त को। यार अब मुझे और डर लग रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। चलो ख्याल रखो। अच्छा मेरी बात सुनो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, डन डन डन, लाफ। यार मैंने बताया था ना लड़कियां होती बेवकूफ है, और बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से जैसे बात करती मैंने मदिया से वैसी ही बात की, और ये समझी भी नहीं बिल्कुल। ओके सो गाइस, अब मैं मिलाने वाली हूँ जनाब फातिमा को कॉल, जैबू को मेरी, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मेरे जहन में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया। तो आइए जनाब को कॉल मिलाते हैं और होप सो कि वो कॉल उठा ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारी आवाज कैसी हो रही, रो रही थी क्या? अच्छा जनाब, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, ये हमारे दरमियान रहेगी बात, लारिफ को नहीं बताना। हाँ, अच्छा सही है। हाँ। यार मुझे मेरी फ्रेंड ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ। लारिफ और उसकी चैट थी, आई डोंट नो कि वो अभी की या पुरानी, बट मुझे समझ नहीं आई, बहुत अजीब सी बातचीत हो रही थी। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजूं? हाँ हाँ भेजो। तो मैंने सोचा कि तुम्हें तुमसे बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था शायद तुम्हारी और लारेप की लड़ाई हुई है। नहीं नहीं, हमारी तो लड़ाई नहीं थी बिल्कुल भी। देखो स्क्रीनशॉट। देखा? हाँ लेकिन अभी एक सेकंड रुको। वो मुझसे कौन है, दोस्त कौन है? यार मुझे नाम नहीं बता सकती अभी मैं, क्योंकि उसने ना मुझसे, उसका सीन ये है कि वो लारिफ को इंतहा से ज्यादा पसंद करती है। यार तुम्हें पता ही क्या? नहीं नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं से सुनने में आया था, मतलब एक दफा जिक्र किया था हल्का फुल्का, लेकिन उसने भी मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने तो ये बताया था कि वो बहुत पसंद करती है ये वो। हाँ वो पसंद तो बहुत करती है, बट लारेब ऐसे बातचीत कर रहा, मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी और उसकी लड़ाई तो नहीं हुई थी। नहीं नहीं, और लड़ाई हुई थी तो लड़ाई हुई तो ये करता है। अजीब सी बात है वैसे, ये आई लव यू बेबी वगैरह क्या होता है, लारेब ऐसा तो नहीं करता था। मैं पूछ लू लारेब से, मैं ना पिस जाऊं कहीं वो मुझ पे आ जाए।
यार तुम देख लो, मुझे नहीं पता भाई। तो अगर मैं फोन में भी देखूंगी तो चैट तो अगर ऐसे भी बात होगी तो चैट रखी भी थोड़ी होगी। हाँ ये भी है। यार उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि जरनाब तुम्हारी दोस्त है ना एंड ऑल दैट, तो मैंने बोला हाँ, तो कहिए देखो बड़ा लारेफ के पीछे एंड ऑल दैट, तो ये सारी बातें मुझसे कर रही थी। मैं तुम्हें सारी नहीं बता सकती, अच्छी बात नहीं है ना। यार वो अपना बता रही कि मेरा लारेफ का सीन है, जब भी तो मैं ज्यादा शॉक्ड हुई हूँ। यार तुम्हें तो लारे को सुना देनी चाहिए, सूली भी लटका देना चाहिए। खत्म। प्रॉमिस बाय गॉड मैं मजाक कर रही हूँ, और ये लारेफ के साथ भी मैंने प्रैंक किया है, और उसने भी मतलब मेरा प्रैंक पहचान गया था वो, तो फिर मैंने बोला मैं जरनाब के साथ करूंगी, प्लीज बताना। ले रही हो यार? हाँ ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, मैंने सबके साथ प्रैंक किया है आज। अच्छा, लेकिन लड़की का नाम नहीं लिख डाल देना पागल। हाँ उसमें बीप लगा देंगे। अच्छा यार आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा जैबू आई लव यू, सॉरी यार लव आई एम रियली वेरी सॉरी जरनाब, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा और कोई मतलब नहीं था, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी लारे, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा शायद इसको खटका। ये थी मेरी YouTube वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था क्योंकि मुझे प्रैंक करना आता ही नहीं है। बट खैर ये हो गया, और डॉक्टर मदी और जरनाब के साथ मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, और हुसैन लारे तो कुछ ज्यादा ही अकलमंद है, उनको हर चीज पता चल जाती है। एनीवे सो कीप सपोर्टिंग गाइज, और ऐसी ही इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार बरसाना है, और जो भी रिक्वेस्ट हुआ करे आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करें, एंड लॉट्स ऑफ लव, कीप सपोर्टिंग, और ये वीडियो कितनी अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ऐसी प्यार बरसाते रहिए, एंड इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। सो टेक केयर, बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लॉट्स ऑफ लव।